Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Miran Shah Stadium, Ahmed. Pakistan 11 or UK Media 11 se khususi mulaqat. Kaha amn cup ke zariye sabit karenge Pakistan pur amn mulk hai. Corps Commander Peshawar, Lieutenant General Nazir Ahmed Bhatt samet deegar fauji afsaran bhi match dekhne ke liye stadium mein maujood. फौज ने अफगान सरहद के करीब शिद्दत पसंदों के ठिकाने खत्म कर दिए. अब वहां कोई महफूज पनागाहें नहीं, लेकिन फिर भी हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फाल पार्टनर है. वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू. कहा हमारे पास कम मार करने वाले जौहरी हथियार हैं, मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल जौहरी हथियार नहीं. पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और कंट्रोल महफूज हाथों में है. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रहा है. आलमी मीडिया दुरुस्त सूरत हाल नहीं बता रहा. वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का न्यूयॉर्क टाइम्स में जोराने से खिताब. पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत का कोई फौजी और सियासी किरदार नहीं देखता. पाक अमरीका ताल्लुकात में कोई रुकावट नहीं. अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू. वजीर आजम की अमरीकी सदर से भी मुलाकात. वजीर आजम कहते हैं सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार के बारे में मजबूत रवैये का इजहार किया. It's an outrage that some nations would not only trade with such a regime, but would arm, supply, and financially support a country that imperils the world with nuclear conflict. अमरीकी सदर की सरकश रियासतों से मुतालिक तकरीर पर रद्द अमल. ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान जौहरी मुहादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा. अगर आलमी सियासत में आए नए सरकश की वजह से ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुहादे खत्म हुए तो ये काबिले अफसोस होगा. शुमाली कोरिया के वजीर खारजा ने ट्रंप की तकरीर को जो गरजते हैं वो बरसते नहीं के मुतरादिफ करार दे दिया. बिलावल को इख्तियारात नहीं मिलते और बिलावल इसी तरह पीछे पीछे ही चलने की पोजीशन में रहता है तो मैं नहीं समझता. मैंने आसफ जरदारी साहब को जब मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा था अगर आप चाहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी के पीछे चलने को कोई तैयार नहीं. पीपल्स पार्टी को चलाने के लिए अख्तियारात बिलावल भुट्टो को देना होंगे. शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू. सुप्रीम कोर्ट में सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की नाअहली का मामला समाप्त. दो हफ्ते के लिए मुलतवी. कराची में स्कूल्स इंतजामिया ने फीसों में 40% इजाफा कर दिया. फीसें बढ़ने से वालिदैन परेशान. पूरा एहतजाज. मुजाहिरीन का फीसों में कमी का मुतालबा. 3600 फीस थी, 5000 रुपए कर दीजिए. मैं 6 का बता रहा हूँ. ओवरऑल आप देखें सब में बढ़ा है. मजबूरन हमें ये एहतजाज करना पड़ रहा है. हम क्या करें, मजबूर है. कराची में आयशा भवानी कॉलेज की मिल्कियत का मामला लटक गया. तदरीसी अमल रुकने से तुलबा परेशान. सिंध हाई कोर्ट से तनाजे के हल तक तालीम जारी रखने की इस्तदा. तुलबा की दरखास्त पर अदालत आज समाप्त करेगी. कॉलेज की बंदिश के खिलाफ वालदैन सराफा एहतजाज. खैबर एजेंसी में लंडी कोतों के करीब पाक अफगान शाहरा पर धमाका. दो कस्टम अहलकार जख्मी. अस्पताल मुंतकिल. कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई और मुबैना मुकाबला. दो मुलजिमान हलाक, 3 गिरफ्तार. डकैत गिरोह भी पकड़ा गया. शिकारपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई. 30 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार. असलहा बरामद. आलमी बरादरी फलस्तीन से इसराइल का कब्जा खत्म कराने के लिए महदूद मुद्दत में इकदाम करे. अगर अक्वामे मुत्तहिदा अपनी पेश की गई करारदादों पर अमल नहीं करा सकता तो कौन कराएगा. फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जनरल असेंबली से खिताब. बर्मा से आने वाले लाखों रोहिंग्या मुसलमान नई मुसीबत में फंस गए. बांग्लादेश में सैलाब के बायस आरसी कैंपों में रिहाइश पजीर मुसलमान मुश्किलात का शिकार. रोहिंग्या पनाह गुजीर खवातीन और बच्चे बेघर. रेड क्रॉस के इमदादी ट्रक को हादसा. समंदरी तूफान मारिया की पोर्टो रिको में तबाहकारियां. मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक.
सड़कों पर 2 फीट पानी जमा, पोर्टोरिको में मुकम्मल तौर पर बिजली मुनकता, समंदरी तूफान की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, तूफान आज रात बहामास, तुर्क और